अगली खबर में बात करते हैं मऊगंज की, जहां कांग्रेस पार्टी के जिले में होने वाली पद यात्रा की तैयारियों को लेकर विधानसभा मऊगंज में आम सभा का आयोजन किया गया। मऊगंज पहुंचे कांग्रेस नेता एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवासन तिवारी के जयंती के अवसर पर 17 सितंबर एवं स्वर्गीय पूर्व सांसद सुंदरलाल तिवारी के पुण्यतिथि 11 मार्च को पद यात्रा का समापन किया जाएगा। श्री तिवारी ने कहा कि समूचे जिले में भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पद यात्रा निकाली जा रही है, जो कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों व नगर परिषद और नगर निगम रीवा में पद यात्रा का कार्यक्रम होना सुनिश्चित है। इस दौरान मऊगंज क्षेत्र के सभी वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनमें जनपद सदस्य हनुमना धर्मेंद्र सिंह, गुड्डू हनुमना, अशोक सोनी, गिरजा गुप्ता, विनोद मिश्रा, राधा रमन तिवारी, सुनील गुप्ता, सुरेश प्रसाद सिंह, वीरेंद्र द्विवेदी, सत्य प्रकाश मिश्रा, कवि तिवारी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। यह बैठक हमारे नेता राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के सहयोग में, के सपोर्ट में रीवा ज़िले में शुरू होने वाली जन अधिकार यात्रा के संबंध में थी। यह एक तैयारी बैठक थी। 17 सितंबर को परम पूजनीय पंडित श्री श्रीनिवास तिवारी जी की जयंती से हम 6 महीने की जन अधिकार यात्रा पूरे ज़िले में निकालेंगे और राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ हम जिले के मुद्दे भी इसमें जोड़ेंगे और 6 महीने बाद जब 11 मार्च को इसका समापन जिले में होगा तो उस वक्त भोपाल से लेकर दिल्ली तक की सरकार हिल चुकी होगी, इसका वादा मैं आपको करता हूँ। क्या संदेश भैया, जिंदाबाद, क्या संदेश देना चाहेंगे सर मऊगंज क्षेत्रवासी? क्षेत्रवासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, जहाँ मनमानी बिजली कटौती होती है, सूखे से किसान को राहत नहीं मिलती है, युवाओं के लिए किसी भी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है, ऐरा पशु की समस्या है, गौ माताएं सड़कों पे कट रही हैं, इस तरह की विभिन्न समस्याओं की लड़ाई आपकी लड़ी जाएगी और बहुत जल्द 2023 में कांग्रेस की सरकार आएगी, पुनः सस्ती बिजली, किसान का कर्जा माफ, वृद्धा पेंशन बढ़ के मिलेगी और सारी सुविधाएं जनता को मिलेंगी जो 15 महीने में मिलेगी।